अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम वादी तीरा का सफ़र जारी है और वादी तीरा जो कि कबायली एजेंसियों के दामन में वाकया है, एक ऐसी वादी है जिसमें बहुत लोग कम जा चुके हैं अभी तक और अनएक्सप्लोर वैली है। जी अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा है और एंजॉय हो रहा है, सुबह का वेदर बहुत अच्छा है। हाँ जी माशाल्लाह हम लोग इस वक्त नाइट स्टे किया है, यहाँ से नाइट स्टे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग हम निकलने की हैं वादी तीरा की तरफ, एक्साइटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग। लेट्स सी, मिलते हैं। थैंक यू। तीरा वैली के कुछ खूबसूरत मनाजर के बाद तीरा वैली के दोस्तों ने हमें बहुत ही खूबसूरत खाने के साथ मधु किया और हमें खाना खिलाया और खाने के बाद कुछ मस्ती। अस्सलाम वालेकुम जी, ये आप देख सकते हैं खैबर एजेंसी के सुबह के मनाजर। ये सारा बरबाग है जिसके मॉर्निंग के कुछ व्यूज़ आपको दिखा रहे हैं। सनराइज़ और बादलों का जो इधर व्यू मिल रहा है बहुत शानदार है। और आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि इधर जो वज़न होता है, अगर आप 1 किलो चीज़ लेते हैं तो उसका आपको 1000 ग्राम की बजाय 1200 ग्राम जो है ना वज़न मिलता है। किलो इधर 1200 ग्राम का किलो है तीरा वैली में। बहुत कम लोगों को पता है कि शाहद अफरीदी पाकिस्तानी कौम का जो एक बहुत बड़ा नाम है वो किस जगह से है, वो भी तीरा वैली से है। तो ये मेरे पीछे उनका घर नज़र आ रहा है, वो उनके दादा की कब्र है। ये उनके दादा की कब्र से जो इंसान रिलेटेड और ये सारे उनके अजीज़ और रिश्तेदारों के घर हैं। तो इस वक्त तीरा वैली में बहुत ही मज़े के आसम व्यूज़ हैं। तीरा वैली जो कि पिशावर से सिर्फ 3 घंटे के डिस्टेंस पे वाक़ है, तो आप भी इस जगह का ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू। ये देखें जी, आपको वो घर नज़र आ रहे हैं जो ऑपरेशन के दौरान तबाह हुए थे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अमन शांति है, कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन ये आपको वो एरिया मैं दिखा रहा हूँ जो ऑपरेशन के दौरान 2013 में आर्मी ऑपरेशन ने ये इलाके क्लियर करवाए, तालिबान के हमले इधर हुए, आर्मी ने के हमले हुए। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे वो लोग इधर रहा करते थे। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम किस्सा खानी बाज़ार को घूम रहे हैं, तो काफ़ी मज़े के खाने भी खाए हैं, टेस्ट किए हैं और इसके अलावा काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ें देखी हैं। ये ट्रेडिशनल मार्केट है, तो आप भी जब भी अगर पेशावर आना हो तो किस्सा खानी बाज़ार लोकल ट्रेडिशनल मार्केट है, इसको घूमना मत भूलें।
दोस्तों, इस वक्त मौजूद है खैबर पास पे, जो कि मुझे तारफ कराने की ज़रूरत नहीं। और इधर से N5, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, इधर से स्टार्ट होता है जो कि हैदराबाद तक जाता है। और इससे आगे तकरीबन 30-35 मिनट के रास्ते पे तुर्कम बॉर्डर है, जो कि कनेक्ट करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। थैंक यू सो मच।